रंगों के पर्व पर जिला प्रशासन के साथ ही पुलिस के जवान भी पूरी तरह से मुस्तैद हैं। वहीं महिला पुलिस भी महिलाओं की सुरक्षा का एहसास करा रही है, जिससे होली के पर्व पर किसी तरह की हुड़दंगई ना हो। इसी के मद्देनजर महिला थाना प्रभारी अर्चना सिंह के नेतृत्व में महिला पुलिस का फ्लैग मार्च महिला थाना से निकाला गया, जो काली मंदिर, गोलघर, चेतना तिराहा, इंदिरा बाल विहार होते हुए शहर के प्रमुख चौराहों से होते हुए लोगों में, खासकर महिलाओं में सुरक्षा का एहसास दिलाया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महिला थाना प्रभारी अर्चना सिंह ने कहा, अभी आगामी होली त्यौहार है हम लोगों का और विधानसभा चुनाव भी है, लोकसभा चुनाव है। चुनाव के दृष्टिगत हम लोग ये अभी फ्लैग मार्च कर रहे हैं ताकि लोगों में सुरक्षा की भावना हो, वो अपने आप को सुरक्षित न समझें। और आज का फ्लैग मार्च जो हम लोग का है विशेषता, वो तो है त्यौहार के लिए। त्यौहार के मद्देनजर बाज़ार में भीड़ को देखते हुए हम लोग ये मार्च निकाल रहे हैं। इसके लिए तो हम लोग फ्लैग मार्च निकाल ही रहे हैं और सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। हर जगह हमारी फोर्स मौजूद है, हर जगह रहेगी और जिसको ज़रूरत हो वो थाने पे आके हम लोग शिकायत कर सकता है।